जय हिंद दोस्तों, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, जिसके टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड बोर मॉडल ऑफ एटम। लेट्स स्टार्ट। इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखो एक प्रिज्म लेते हैं, जब अगर हम उसके अंदर से सनलाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर के बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अभी इस तरह से, है ना, 7 कलर बैंड, ठीक है। अब इस बैंड को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये क्या है, सनलाइट। जो सनलाइट है वो एक ऐसी वेव है जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट होती है, और जो रेडिएशन विजिबल रीजन में लाई करती है वही जो है वो कलर हमें शो करती है, क्योंकि विजिबल रीजन की वजह से ही हम क्या है देख सकते हैं। जो रेडिएशन विजिबल रीजन में लाई करेगी ना वही हमें दिखाई देंगी, ठीक है। कलर जो हमें दिखाई दे रहा है वो किस वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में रेडिएशन जो है उनकी वो प्रेजेंट होती है, तो ठीक है। इस तरह जो बैंड हमें मिलेगा उसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रा, क्लियर। अब देखो ये कौन से कलर दिखाई देते हैं हमें, विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो कोई भी चीज हमें व्हाइट दिखाई देती है, ठीक है, व्हाइट कलर है वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो व्हाइट कलर जो है बॉडी वो सारी रेडिएशंस को इमिट कर देती हैं जो कलर शो करती हैं, ठीक है, उन रेडिएशन को इमिट कर दे, ये 7 कलर की जो रेडिएशंस है ना उनको इमिट कर देती है, इस वजह से हमें क्या है वो वाइट दिखाई देता है। इसके पास कोई भी अपना ऐसी कोई रेडिएशंस नहीं है जो कलर की हो, इसलिए वो क्या है वाइट है। तो ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इमिट आउट देन द बॉडी इज शोन वाइट। और ब्लैक कब दिखाई देगी भाई, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी इनको, जो सारी कलर की रेडिएशंस है ना उनको अगर वो एब्जॉर्ब कर ले तो वो क्या दिखाई देगी हमें, ब्लैक दिखाई देगी, क्लियर। तो वाइट जो आपको बॉडी दिखाई देती है वो इस वजह से, क्योंकि वो सारी कलर की रेडिएशंस को इमिट कर देती है। और ब्लैक क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो सभी कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो एक आप व्हील बनाएंगे इस तरह से, यहां हम लिखते हैं विबग्यो, ठीक है। अब ये देखो ब्लू के सामने ऑरेंज, ठीक है, रेड और ग्रीन, येलो और वॉयलेट, ये स्टैंडर्ड कलर है आपके। अगर ऑरेंज कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया किसी बॉडी ने तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, ब्लू कलर की दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, ब्लू। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे ऑरेंज का ब्लू है, ब्लू का ऑरेंज हो गया, येलो का वॉयलेट है, वॉयलेट का येलो, ग्रीन का रेड, रेड का ग्रीन, ठीक है। अगर रेड जो है उसकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी, और ग्रीन कलर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमें रेड दिखाई देगा, ऐसे ही येलो और वॉयलेट। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इस तरह जब हम सनलाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो क्या है, कलर्ड बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रा। और ये किस टाइप का स्पेक्ट्रा है, इमिजन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। इमिजन स्पेक्ट्रा क्यों है, देखो अब इमिजन क्या होता है, इमिट आउट होना। देखो जो सनलाइट है वो क्या कर रहा है, जा रही है प्रिज्म में से और फिर क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, ठीक है। 7 कलर में क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, यानी कब हो रही है, वो इमिट आउट करेगी रेडिएशन तभी तो हमें कलर दिखाई देगा, तो वो क्या कर रही है, लाइट को इमिट कर रही है, तो वो क्या हो गया, इमिजन स्पेक्ट्रा। अगर कोई चीज बॉडी एब्जॉर्ब करे और फिर हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड हो तो वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लियर हुआ। देखो अब यहां हमने पढ़ा कि सनलाइट जो है प्रिज्म में से पास हुई और उसने क्या किया, 7 कलर बैंड दिखाई, वो क्यों दिखाई दिए, क्योंकि ये थी तो एक वेव और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 7 कलर्ड बैंड्स में, यानी 7 रेडिएशंस में सेपरेट हो गई, तो उसने क्या किए, रेडिएशन को इमिट किया, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, इमिजन स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड होगा उसे कहेंगे इमिजन स्पेक्ट्रा,
क्लियर। अगर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके फिर हमें स्पेक्ट्रा मिले, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। और जो स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं उनसे हम क्या स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फोटोग्राफ होता है ना, वैसे ही स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं, जिनसे हम स्पेक्ट्रा जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इमेजन स्पेक्ट्रा को, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by the substance that has absorbed energy, कोई सब्सटेंस जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसके बाद वो क्या करे, इमिट कर दे रेडिएशंस को, जिससे हमें क्या मिले, स्पेक्ट्रा मिले, दैट इज इमेजन स्पेक्ट्रा, और एज इमेजन स्पेक्ट्रा, इसको इमेजन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इमेजन स्पेक्ट्रा, इमेजन स्पेक्ट्रा इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस वर्ड से ही लगाता है ना, तो देखो आपने जो कलर्ड बैंड हमने देखे, अगर प्रिज्म से पास करते हैं कलर्ड बैंड बनता है ना, वो कंटिन्यूअस कलर होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, एक कलर आया फिर उसके बाद लगातार दूसरा कलर, जैसे रेनबो भी आपने देखा है, सारे कलर मिलते से नजर आते हैं ना, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं होता इनके बीच में, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो कलर्ड बैंड है वो एक दूसरे के से अटैच्ड दिखाई देते हैं, है ना, कंटिन्यूअस दिखाई देते हैं। तो व्हेन कंटिन्यूअस बैंड्स आर ऑब्जर्व, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रा कब होगा, जब वो लाइंस में मिले, जैसे एक लाइन मिल गई कलर की, दूसरी मान लो कोई और कलर की मिल गई इस तरह से, या एक ही कलर की डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल रही है, कैसे भी मिल रही है, मतलब इस तरह से लाइंस में मिले, तो दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर। इमेजन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्या है भाई इसमें, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, अब जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, ये इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को, और फिर क्या हो जाएंगे, वो डिसोशिएट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करके एनर्जी क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट, और उसके बाद ये क्या करेंगे, डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करेंगे, और एक हमें लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड होगा, इस तरह से, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक लाइन स्पेक्ट्रा, और इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि ये किससे मिला है, हाइड्रोजन की वजह से मिला है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो है डिफरेंट लाइंस है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है और डिस्कवर की थी, तो उनके नाम पर ही इन लाइंस के नाम दिए गए हैं। सीरीज हैं, लेमन सीरीज आती है पहले, फिर आती है आपकी बामर, देन आपकी आती है पास्कल, ब्रैकेट, देन पीफॉन्ट। ठीक है, लेमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट एंड पीफन, ये सीरीज होती है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि एनर्जी लेवल होते हैं ना, अब हमने क्या किया, एनर्जी दे दी, लाइट दी, यानी कि एनर्जी दी हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी ना लो प्रेशर पे, वहाँ एनर्जी दी, वो क्या हुए, डिसोशिएट हुए, एब्जॉर्ब की उन्होंने एनर्जी, तो वो क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल में चले गए। ठीक है, तो मान लो ये N1, N2, N3, N4, एंड सो ऑन, एंड इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये
रेडिएशन इमिट करके वापस अपने लेवल पे आएंगे, यानी कि मान लो N2 लेवल पे था कोई मॉलिक्यूल्स, उसने क्या किया, एनर्जी रिलीज की और वो किस पे आ गया, N1 लेवल पे आ गया। इसी तरह N3 के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने रेडिएशंस इमिट की एनर्जी की फॉर्म में और वो कहाँ आ गए, N1 लेवल पे। इसी तरह N4 से मॉलिक्यूल्स आ गए और सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है, कहाँ आ गए, N1 लेवल पर। ये लोअर एनर्जी लेवल है N1, और इस पे अगर आ जाते हैं जो भी रेडिएशन मॉलिक्यूल्स जो है इमिट करके रेडिएशंस आते हैं, इस तरह की जब लाइंस ये बनती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, इस सीरीज़ को बोलते हैं लेमन सीरीज, जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर एक्सट्रैक्टेड एनर्जी लेवल से किस में आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। क्लियर। अब ऐसे ही बामर में, तो ये तो होगी लेमन सीरीज, बामर सीरीज में क्या होगा, आपके जो है हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से N2 लेवल पर आते हैं, तो N3 से N2 में आ गए, फिर N4 से N2 में आ गए, जैसे N5 से N6 से, इस तरह से हायर एनर्जी इन इन्फिनिटीज तक जो है आप पहुंच सकते हैं। वहां से N2 में अगर आ जाए तो वो कौन सी सीरीज होगी, ये जो बनेगी वो होगी बामर सीरीज। क्लियर। अगर लोवेस्ट जो है फर्स्ट लेवल जो है वहाँ पर आके किसी भी लेवल से आए, अगर फर्स्ट लेवल पे अगर आपके आ जाती है मॉलिक्यूल्स पहुँच जाते हैं तो क्या रिलीज करें, रेडिएशंस तो रिलीज करते हैं, इसकी वजह से क्या बनता है स्पेक्ट्रा, तो कौन सा बनती है लेमन सीरीज। अगर सेकंड लेवल पे आते हैं सारे मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से तो वो क्या बनाती है बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज में सेकेंड से थर्ड से सेकेंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकेंड में आ सकता है, फिर फिफ्थ से इन्फिनिटी तक, ऐसे बाहर। ऐसे ही पास्कन, पास्कन में क्या होगा, N3 जो है वो लोअर लेवल होगा और उससे क्या आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, N5 और कुछ मतलब एक्स्ट्रा आगे बनाते जाओ आप सीरीज, तो इस तरह से अगर N3 में आ जाएंगे, यहाँ ब्रैकेट में N4 में आ जाएंगे, इसमें N5 में आ जाएंगे। क्लियर। तो हाइयर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आगे हैं आपके, लोअर एनर्जी लेवल पे। N1 पे आते हैं तो लेमन सीरीज बनती है सारी, और N2 पे यानी सेकंड लेवल पे आते हैं तो बामर, थर्ड पे आते हैं तो कौन सी सीरीज बनेगी आपकी पास्कल, और फोर पे आएंगे तो कौन सी सीरीज बनेगी भाई ब्रैकेट, और अगर फाइव पे आ जाएंगे N5, क्योंकि इन्फिनिटी तक है ना, कितने भी ले सकते हो, N5 पे आ जाएंगे तो P1 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज बन जाती है। अब क्या है कि जो जैसे ये सीरीज है लेमन है बामर है पास्कन है ब्रैकेट P1, ये सीरीज के अंदर कौन सी रेडिएशंस की वेव्स आएंगी, उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए रेडबर्ग जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, सिंपल फॉर्मूला था वो, रेडबर्ग फॉर्मूला, जिसको कहते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, कि भाई एक जो लेमन सीरीज है उसके अंदर जो रेडिएशंस की वजह से क्या आ रहे हैं, आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, लाइंस बन रही है, सीरीज बन रही है, तो उन रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी, कैसे हमें पता चलेगा, वो बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला दिया गया बाय रेडबर्ग। क्लियर। तो वो फॉर्मूला क्या था, उन्होंने एक्चुअल में वेव नंबर का दिया था, और वेव नंबर से हम क्या वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला था आपका वेव नंबर, यानी कि वी बार से डिनोट कर सकते हैं ना वेव नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू आर इंटू में 1/N1² - 1/N2². ये फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे ये क्या है वेव नंबर, आर क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या है, N1 तो जो है लोवेस्ट लेवल है हर एक सीरीज का, ठीक है, हर एक फिक्स होता है ना वो, जैसे लेमन के लिए N1 की वैल्यू क्या थी भाई 1, एंड बामर के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी 2, पास्कन के लिए N1 की वैल्यू क्या है 3, इसके लिए 4, और P1 के लिए N1 की वैल्यू क्या है 5, और N2 जो है वो वेराइज करेगा। ठीक है, N2 देखो लेमन के लिए N1 की वैल्यू तो 1 होगी, N2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है क्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, N2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, अभी सेकंड लेवल से फर्स्ट में चला गया 3 भी 4 भी एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक हो सकती है।
ऐसे ही अगर आप बामर की देखोगे तो N1 तो आपकी 2 है, ठीक है, तो N2 क्या होगी, 2 से आगे वाली, यानी 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो N1 तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट फॉर सीरीज, पार्टिकुलर सीरीज N1, और N2 क्या करेगा, वेराइज करेगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, है ना, जैसे भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ, ये था आपका रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब देखो यहाँ से हमें वेव नंबर मिल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है वेव नंबर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के, तो जो भी वैल्यू होगी उसको इनवर्स कर दोगे तो आप क्या आ जाएगी, आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने वेव नंबर निकाल लिया और फिर हम क्या है वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, देखो न्यू आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ गया वेव नंबर के बराबर न्यू बार, तो मैं न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ भाई, सी 1 बाय लैम्डा होता है ना न्यू बार, तो न्यू बार, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई न्यू बार, यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी है तो मैं जो भी वेव नंबर आएगा उसको सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे इससे डायरेक्ट क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालनी है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका मैं क्या कर दूंगी, इनवर्स कर दूंगी। क्लियर, तो ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अब मैंने क्या सोचा है कि हम न्यूमेरिकल्स जो है एक अलग से लेक्चर में करेंगे, ठीक है, बीच बीच में हर एक के न्यूमेरिकल ना करके सारे न्यूमेरिकल जो हैं जो भी आएंगे जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस, वो हम एक लेक्चर में अलग से करेंगे उनकी प्रैक्टिस। क्लियर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए तो रेडबर्ग फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन, ये हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, क्या था भाई, न्यू बार इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर, है ना। लेकिन हाइड्रोजन लाइक जो अदर पार्टिकल्स हैं उनके लिए कैसे निकालेंगे, अदर पार्टिकल्स के लिए, अदर पार्टिकल्स के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला होगा न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर इंटू में Z स्क्वेयर। ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया था। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और का बोला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वेयर करना पड़ेगा। ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी पार्टिकल होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा Z स्क्वेयर। तो अदर पार्टिकल अगर आपको दिया गया है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे Z स्क्वेयर से। क्लियर, नाउ बोर मॉडल ऑफ एटम, क्या पोस्टुलेट्स हैं भाई। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। सेंटर में तो क्या है, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटोन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो न्यूक्लियस पे एज ए होल पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं ना, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाहर जो है ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर पाथ, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट है आपकी ये। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव ए फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिनकी फिक्स एनर्जी होगी ना, उन्हीं जो लेवल्स हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है, बहुत सारे लेवल हो सकते हैं ना इसके, मतलब ये जो हमने फर्स्ट मान लिया इससे बीच में भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं लेवल्स में रिवॉल्व करेंगे जहाँ की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है, वही बोल रहे हैं, इसलिए इन लेवल्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, इसके स्टेशनरी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स को हम जो है नंबर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, फिर हम बनाएंगे इसके बाद सेकंड बना दिया, फिर हम बनाएंगे थर्ड,
एंड फोर्थ सो ऑन, है ना। और इनको डिजाइनेटेड किया जाता है एज ए नंबर, जैसे फर्स्ट सीरीज है उसको हम के से, फिर एल से, एम से, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट के हो गया, फिर ये एल हो गया, ये एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट लेवल के, सेकेंड एल, क्लियर हो गया। अब जो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे इन डिफरेंट एनर्जी जो स्टेट्स है, हमने बोला ना 1 2 3, तो कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला ई एन इज इक्वल टू, ई एन क्या है आपके नंबर से, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड है तो 2 हो जाएगी, है ना। इज इक्वल टू -2π² एम ई 4 बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। यहाँ पर देखो पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन आपके एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है, और एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू आप रखते जाओ, बाकी तो देखो ये पाई भी कॉन्स्टेंट हो गया, मास इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टेंट होता है, ई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है और एच की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है। तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं हम, जैसे ई एन अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूँ ना, तो -21.8 × 10⁻¹⁹ बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। एक तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ये तो हो गया जूल पर एटम में, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसका आ जाएगा आपका -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर। तो आपको बस इनमें से क्या है ये याद करना है, जो अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे जूल एनर्जी वगैरह दे रखी हो, जूल में कुछ दे रखा हो, है ना, तो वो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दे रखा है, चार्ज वगैरह दे रखा है या कुछ और दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के पुट, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपने, बाकी ये फॉर्मूला लगा के एनर्जी आप निकाल सकते हो उनकी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इनके, ठीक है, अभी तो आप बस इतना ही समझ लें कि एनर्जी जो है आप इन फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है ना, हर बार उनकी वैल्यू क्यों पुट करनी है, सीधा हम इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि एन ही वेराइज करेगा, है ना। अब अगर हमें रेडियस निकालनी है उसकी, लेवल्स जो है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम निकाल रहे हैं इसकी, ये होगी रेडियस, है ना। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की क्या रेडियस होगी, इसी तरह सेकंड की क्या होगी, इनको निकालने के लिए भी आपका एक फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, ये भी उन्हीं की निकलेगी, ठीक है, जो स्टेशनरी है यानी फिक्स्ड है जिनकी एनर्जी, आर एन, ठीक है, एन क्या है ये लेवल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ पे देखो ए नोट क्या है भाई, यहाँ पे ये बोर रेडियस बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है ना ये वाला, ठीक है, उसकी वैल्यूज है, ठीक है, क्या होती है ए नोट 52.9 picometer, क्लियर, तो इसको बोलते हैं बोर रेडियस। अब ए नोट हो गया, इसकी वैल्यू तो फिक्स है 52.9, अब एन जो है अगर आपको सेकंड लेवल की निकालनी है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड की निकालनी है तो 3 हो जाएगी, है ना, और जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, फिर से एटॉमिक नंबर उसी एलिमेंट का जिसकी रेडियस निकालनी है। तो ऐसे ही अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी भी लेवल की, वी एन, उसका फॉर्मूला आ जाएगा वी नोट इंटू जेड बाय एन। वी नोट वही फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसकी कितनी आपकी वेलोसिटी होगी वो होगी, ठीक है, जेड आपका एटॉमिक नंबर और एन जो है वो वेराइज करता रहेगा। तो यहाँ पर वी नोट की वैल्यू फिक्स है 2.188 × 10⁸ cm/s, ठीक है, ये वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की जो किस में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वी नोट। वी नोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। तो ये तो फिक्स ही रहेगी, जेड की वेराइज करती रहेगी किसी भी एलिमेंट की निकालनी है उसके अकॉर्डिंग, और किस लेवल की निकालनी है उसके अकॉर्डिंग एन वेराइज कर देगा,
इस तरह हम वेलोसिटी भी निकालेंगे। सिर्फ इनमें क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। जो थर्ड पोस्टुलेट है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट है, अब हमने कहा पढ़ लिया कि ये जो ऑर्बिट है इनकी एनर्जी जो है फिक्स होती है, और जो जिनकी फिक्स एनर्जी होती है ऑर्बिट की, उसी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी खुद की कोई एनर्जी थोड़ी है, ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो इन लेवल्स की एनर्जी है, है ना। अब एक कोई भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी वही होगी जो उस लेवल की होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, जो इस लेवल की एनर्जी है ना, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, जो इस लेवल की एनर्जी है, यानी कि इस वैल्यू क्या है, फिक्स है, आपकी डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन की वही वैल्यू है जो इस लेवल की है, इसलिए इसको हमने बोला क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट देखो, जैसे एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेफिनेट है इसकी इलेक्ट्रॉन की, हमने बोला क्वांटाइज्ड है ना। अब इसी तरह उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसकी भी वैल्यू डेफिनेट होती है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई से, ठीक है। एम क्या है, मास, वी वेलोसिटी, आर आपकी रेडियस हो गई, एच एन जो है वो लेवल है, वेराइज करता रहेगा, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है जो फिक्स है, पाई की वैल्यू भी आपकी एक कॉन्स्टेंट है इसलिए फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो भी क्या बोल रहा है, वो कि डेफिनेट है किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई टू पाई होगा, अगर 2 होगी तो इसका मल्टीप्लाई 2 है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी एक डेफिनेट है और डिस्क्रीट है, उसकी कुछ खुद की वैल्यू नहीं है, जो एंगुलर मोमेंटम इस लेवल को होगा वही जो है हम इलेक्ट्रॉन का बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम प्रेजेंट इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल द स्टेट ऑफ एटम कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एनर्जी नहीं दी गई है, उसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया है, वो आपके नॉर्मल जो लोअर एनर्जी लेवल है उसी में प्रेजेंट है, तो उस टाइम हम एटम की स्टेट को बोलते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी मिलके वो एक्साइट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको एनर्जी नहीं मिली है कि वो एक्साइट होके दूसरे लेवल में पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्डिनरी जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, क्योंकि क्या है, हर एक क्या चाहता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी लो होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी लो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहते हैं कि वो लोअर एनर्जी लेवल में रहे, और जब वो हर एक इलेक्ट्रॉन अपना लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है तो उस टाइम एटम की जो स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तभी एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि ये इसका क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये किस में जाएगा, हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो लोअर से हायर में चला जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर उसे एनर्जी इमिट करनी है तो इमिट करके वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, क्लियर। तो एनर्जी क्या होती है, इमिट होगी जब ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और एब्जॉर्ब कब होगी, जब ग्राउंड से एक्साइटेड में स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज होगा तभी तो क्या होगी, एनर्जी क्या, इमिट या एब्जॉर्ब होगी। अब ये कितनी एनर्जी होगी, कितनी भी एब्जॉर्ब करेगा या लेगा, कितना डिफरेंस होगा, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ई टू माइनस ई वन, यानी E2 हो गया ये आपका, E1 ये हो गया, हायर एनर्जी स्टेट कितनी है इसकी और इसकी एनर्जी कितनी है, उनका डिफरेंस क्या हो गया, चेंज, जो भी एनर्जी चेंज होगी यानी कि एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन जब वो क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, कितनी एनर्जी लगेगी वो हम इस तरह निकाल लेंगे। अब देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर लोअर से हायर में जाएगा तो आपकी डेल्टा E क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी यानी पॉजिटिव आ जाएगी, और जब आप एक्साइटेड से लोअर में जाएगा तो निकलेगी यानी कि नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह हम निकाल लेंगे।
तो ये थे भी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, क्यों होती है? देखो हमने अभी किया था ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली थी, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला जब हमने लिखा था उसमें हम लिखा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, ऐसे ही जूल एटम में निकाली थी। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया था। तो ये एनर्जी जो है नेगेटिव क्यों होती है? अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, जीरो, ठीक है, कोई जीरो एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये इसके पास आता जाएगा क्लोज टू प्रोटॉन, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी निकालेगा भी, ठीक है। अब ये एनर्जी निकालेगा और पहले ही इसकी एनर्जी क्या है, जीरो, तो अब वैल्यूज़ क्या आएंगी, वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि पहले जीरो है और अब निकाल रहा है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो जैसे जैसे वो क्लोज आएगा न्यूक्लियस के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, इमिट आउट होगी, और इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो, तो इनके जो न्यूक्लियस के पास जैसे जैसे आता है तो वैल्यूज़ क्या हो रहेंगी, नेगेटिव। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है। नाउ लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, देखो बोर मॉडल ने ये तो कर दिया कि स्टेबल होता है एटम, उसकी स्टेबिलिटी को भी बता दिया, दूसरा उसने ये भी हाइड्रोजन जो है उसका स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके ना कुछ लिमिटेशन है वो देखते हैं। देखो इसने ये एक्सप्लेन तो कर दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है किसी एटम में तो उसका स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अगर किसी एटम के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नंबर टू, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैसे वो लाइन स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, स्पेक्ट्रा की लाइट थी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो स्प्लिट हो जाती है, तो वो कैसे आपकी एक्सप्लेन होगी वो भी नहीं बताया, और ना ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको भी एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन स्प्लिट होती है ना उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाइन्स स्प्लिट होती हैं उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, तो आप कहोगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज स्टार्क इफेक्ट। नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, कि 3 डायमेंशनल में एटम जो है हमें कैसा दिखाई देगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन्होंने एक फ्लैट, जो फ्लैट आपका होगा एक तरह से कह लो कि आप फ्लैट मॉडल दिया था, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि 3 डायमेंशनल में कैसे मूव करेगा, 3 डायमेंशन में हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की थी, और ना ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स तो बता दिया लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, क्या उनकी शेप रहेगी, वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की थी। और इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द डी ब्रोगिल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्या डी ब्रोगिल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अभी हम पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर बताया था उन्होंने मैटर का, कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है किसी भी मैटर का, है ना, तो उस चीज़ को भी बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, और ना ही हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन कर पाया था। ये दोनों चीज़ें हैं ना हम अभी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। तो ये हो गया हमारा बोर मॉडल कंप्लीट, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम इकट्ठा सारे कर लेंगे यूनिट्स के, है ना, ओके, इसी तरह आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।